धन्यवाद संग्राम भाई आउ प्रथम रे मु मंडळी रो नेता मानक निकट रे पुलपिट कमिटी एवं तांक निकट रे निजर कृतज्ञता ज्ञापन करे बा धन्यवाद जणाए मते सुजोग दबा पई एवं संग्राम भाई का सहित मोर अनेक दिन रो संपर्क माने मोर मन अच्छी यूथ फॉर क्राइस्ट कैंप जेतेबले सुभाष दास आरंभ करथले प्रथम प्राय एटा 20 वर्ष तलर कथा नुआ नुआ पूरी रे सब वर्ष कैंप रे हुए आउ बेले बेले मु आउ संग्राम भाई दि जण स्पीकर भाब रे जाय थौ आ माने गोटे होटल रूम रे मध्य केते थरो बास करछु मु तांगटु बहुत विषय सिखिछि तांक वाक्य रु जेते मु सिखि नाही तांक जीवन रु ताठु बेसी मु सिखिछि तांक ठारु बहुत विषय मु सिखिछि एवं एपरि दास मानक निमन्ते मु धन्यवाद दिए अल्प समय आ माने प्रभुंक आडे दृष्टिपात करिबा एवं तापरे वाक्य मध्यकु जिबा पिता परमेश्वर आमे धन्यवाद दौ तुम वाक्य निमन्ते तुम वाक्य जीवित तुम वाक्य कार्य साधक तुम वाक्य अंधकार रे आलोक प्रकाश करे तुम वाक्य जो जगह कोलाहल थाए एवं विभ्रांत थाए से जगह स्थिरता एवं डिसिप्लिन आनी थाए आमे प्रभु जहाँ किछि आम जीवन रे आमने पाई अछु सबु किछि तुम वाक्यर प्रतिज्ञा अनुजाई आमने पाई अछु तेणु करी आमे धन्यवाद दो आज आमानक सहित कथा कह पिता आमानक सहित कथा कह सबु गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमको ही दो प्रभु जीशु जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। गीत 34 उपरे जदि देखिबे गोटे हेडिंग दिया हेछि जे अबिमेलेक राजांक सामुखरे जेतेबेले दाऊदंक निया जाइथिला एटा होची सेही समय रे जेतेबेले कि दाऊद राजा हेइ नथिले एवं जेतेबेले साउल सुनिले जे तांको राजा भोली अभिषेक त करा जाइछि बा सामुएल दाऊदंक परवर्ती राजा से हेबे बोली अभिषेक करि अछन्ति साउल तांको पछे पछे गोडैले तांको मारिबाको एवं अनेक समय सेही समय रे राजा हला पर्यंत गोलियात को मारला परे राजा हबा पर्यंत आउ दाऊद गोटे चोर भलिया ए जगह को सेही जगह को से पलायन करथले आउ गोटे समय रे सीए पलिस्तेन मध्य को अबिमेलेक जे जो गेरार जे राजा आउ सेही जगह को से पलैथिले आउ हठात किछि लोक माने तांको देखिले कहले अरे ये परा दाऊद जा विषय कि से माने गीत गाउथले जे साउल सहस्र लोक को मारि अछन्ति किंतु दाऊद 10,000 लोक को मारि अछन्ति कहि ताकु धरिकिना तांको अबिमेलेक राजांको पाखकु नै गले आउ सेतबळकु दाऊद कोन करले गोटे पागला लोक भलिया से अभिनय करले तांको छेपकु नाळकु एमति दाढ़ीरे बही जिबा पई देले तापर जाय कि द्वार बंधरे कांथरे एमति एमति कोन कोन सब ड्रॉइंग चिन्ह एमति सब एक्टिंग करले आउ सेतबळकु अभिमेले कहले जे ए पागला को काहे कि आनिछ आउ हे आकु नै जाओ मो पाखरु कहि ताकु से विदाय करि देथिले एई घटनाटा प्रथम सामुएल 21 पर्व 10 पदरु 15 पद भितरे लेखा हेछि ए विषय रे उल्लेख करा जाइछि आपण माने घर को जाइकि ताहा देखि परिबे आमे जे अंशटि पढिलु 4 पदरु 10 पद मध्य रे दाऊद एपरि दुईटी परिस्थिति बा दुईटी अवस्था ताहा मानसिक अवस्था हेइ पारु एपरि अवस्था विषय रे से वर्णना करुछन्ति जेउ अवस्थारु परमेश्वर तांकु उद्धार करुअछन्ति बोली कौन ताहा प्रथम आमे देखु 4 पदरे से कहुछन्ति जे मु परमेश्वरंकर अन्वेषण करली एवं सिए मते उत्तर देले एवं मोर सबु भयरु मते सिए उद्धार करले
तेणुकरी प्रथम विषय आम देखु जे क्यों विषय रु प्रभु दाऊद को उद्धार करले दाऊद भय रु सी उद्धार करले भयटा कौन भयटा हूँ गोटे किछि विषय को आमने आशंका करी भाबु जे काले एटा मो जीवन रे आसिबो किंबा गोटे किछि परिस्थिति घटिला गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति ता फलाफल रे वे तो मते किछि गोटे भोगिबा को पड़िबो आ सेई प्रकार रो भय मध्य आसी थाए बयस टिके हेइ गला परे देहर असुस्थता बा एई सबु विषय रो भय मध्य आसी जाई थाई पारे केजणंकर अवसर प्राप्त समय आसीगला परे रिटायरमेंट एज आसीगला परे आउ रिटायरमेंट परे कौन हब कौन नाई आउ एई प्रकार रो भय मनरे भी आसी थाई पारे ना विभिन्न प्रकार रो भय आसी थाए गोटे किछि आगो को मो निमन्ते किछि गोटे विपद बा गोटे संकट अछि आउ ता विषय रे चिंता करिकि आमानकर मनरे अनेक प्रकार रो भय आसी पारे भय बाहिक कारण लागि हेई पारे बा अंतर मध्य रे मध्य किछि विषय थाई पारे जहा कि जहा लागि कि आमानकर मनरे भय जन्मि पारे गोटे पेटटा काटुचि बहुत दिन हला काटुचि हाँ समस्ते कहउचंति जाओ टिके डाक्टर को देखै दियो जो दिन मु डाक्टर पाखु गली अल्ट्रासाउंड करिवार अछि बसिचि सेत बळ को टिके टिके भेत कोन बाहरिबो कि किछि हबो कि एटा हबो कि सेटा हबो कि एई प्रकार रो चिंता नै फियर्स कैन बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स भय साधारण हेइ पारे भय असाधारण भय मध्य हेइ पारे फियर्स मे बी नॉर्मल और अबनॉर्मल के जणकर वास्तविक भय थाए जहा कि समस्तंकर प्राय किछि किछि मात्रा रे थाए किंतु आउ के जण अननेसेसरी प्रकार भय ए विषय से विषय से विषय से विषय मु जणे भाई को घर को जाईथिलि कटक रे आउ वर्षा दिन प्राय सेतबळ को 4 मास अछि जनवरी कि फेब्रुवारी मास रे मु जाईथिलि मे मास रे जेतबेले वर्षा हुए बहुत वर्षा हेले तांको घरे पानी पसी जाए आउ से फेब्रुवारी मास रे मन सुखै कि बसछंती तांको स्त्री कहले जे आज्ञा आउ देखंतु तांको मन टिके खराब अछि तांको टिके बसंतु तांको पके मुकिलि कोन हला काहे कि तम मन खराब भाई ना से वर्षा दिन रे पानी पसी जीव आम घरे आउ सेथि लागि मुकिलि जे अबि तो वर्षा दिन नाही अबि तो बहुत आगु को अछि तेणुकरी फियर्स मे बी रियल फियर्स मे बी इमेजिनरी नहीं किछि किछि भय वह तो वास्तव भय थाई पारे आउ किछि किछि भय काल्पनिक भय भी थाई पारे काले एटा हबो काले सेटा हबो बोली किछि किछि लोक माने बहुत आगो को भी चिंता करी थांती एपरि विषय गुड़ी को मध्य चिंता करी थांती जहा कि हबारो कोनोसी संभावना नहीं हो ना नहीं नहीं समस्त जीवन रे आसे मो जीवन रे मध्य आसी आउ दाऊद केबे तो दुर्बल व्यक्ति बोली आम तो जानू भालू विरुद्ध रे से लड़ी थे सिंह विरुद्ध रे लड़ी थे गोलियात विरुद्ध रे एकला एकाकी से लड़ी थे तेणुकरी से जड़े भीरु व्यक्ति तो नथिले नहीं किंतु प्रभुंक सम्मुखरे सच्चोट भावरे से कहउचंते जे मोर भय अछि अनेक थर थर गोटे सैन्य गोटे सेनापति बा ए प्रकार गोटे जे कि बहुत ब्रेव लोक सी बेहत टिके लुचेबा को चेष्टा कर मते भय लागुने ना म अन्य मान को भय किंतु ये बहुत सच्चोट ऑनेस्ट भावरे से कहउचु जे मोर भय अछि मोर भय थिला एवं मु प्रभुंक निकट रे मु प्रभुंक अन्वेषण करली एवं प्रभु मोर भय सबुकु से दूर करले हेई परे आमानक जीवन रे भी अनेक थर एपरी भय आमानकर मन रे आसी थाए विभिन्न प्रकार भय
आमानको मनरे आसी थाए किछी किछी विषय रे वह तो मोरो एते क्षमता नाही आउ जणकर टिके अधिक क्षमता अछि बा ऑफिस रे किछी किछी मोर अक्षमता अछि ता विषय रे वह तो भय थाई पारे अनेक लोक माने फियर ऑफ द अननोन अज्ञानत विषय निमन्ते मध्य भय काले किछि हि जीव कोन हि जीव काले हटात मो रास्ता रे जाउति बि एक्सीडेंट हि जीव बहुत लोक आमे पालक भाबरे आमे अनेक लोकंक घर को जाउ आ विभिन्न प्रकार लोक थांति भविष्यत विषय रे त निश्चय अधिकांश लोकंकर भय बा चिंता नै भविष्यत मो पई कोन रखिछि एई वर्ष आरंभरु ए पर्यंत भितरे जनवरी रु सेप्टेम्बर 22 तारीख पर्यंत अनेक व्यक्ति माने जो माने मंडली को आसुथले आउ आज ए जगत धरा पृष्ठ उपरे नहांती आगु को मो पई कोन प्रभु रखिछंती मु केते दिन बंचीबी कोन हबो नै भविष्यत निमन्ते अनेक लोकंकर चिंता मध्य थाए पिलामानकर भविष्यत विषय रे चिंता मध्य पिलापिली नाती नातुणी सेमानक विषय रे सेइटा गुटे बड़ भय मन रे थाए मोर बेले बेले जदि राती निद भांगी जाए आउ मु देखे मो पुओ मो पाखरे सोई थाए आउ मु ता मुंड उपरे हात रखी कि मु प्रार्थना करे प्रभु कहली प्रभु सियो बि टीनेज भितर को प्रवेश करछि 14 वर्ष हला आस्ते आस्ते जुबा मध्य को प्रवेश करछि प्रभु ताको आशीर्वाद कर मु जो प्रकार थी मो जुवा काल रे से सही प्रकार जेपरी न हो बोली बेसी बड़ चाकरी न हो प्रभु चलिबो बेसी प्रतिष्ठित व्यक्ति न हो समाज रे चलिबो किंतु तुमको चिन्हु तुमको जानु तुमको जाबुड़ी के धरु तुमको प्रभु बोली स्वीकार करू एतिकि मु चाहू छी प्रभु बोली नहीं अनेक थर पिलामान को विषय रे भी आमाने प्रार्थना करू नहीं भविष्य रे कौन हबो कौन नहीं आउ मो पिला को मो स्टुअर्ट स्कूल रे पढौछि सेइटे सब ता सांग माने जते सब प्राय बडबडिया आमर एई कार अछि आमर मर्सिडीज अछि आमर होंडा ये अछि आमर सेइटा अछि ये अछि सेटु मते कहला बाबा आउ से क्लास 2 रे थिला बाबा सेत बेले से मते तू ता करि कथाउ तोर सब सांग मानकर कार अछि आमर काई कार नै हेठु मु कहली हाँ जीशु बापा जेतेबेले भाबिबे देबे आउ कौन ठीक अछि ना जदि किणबू तू कौन टा किणबू क्लास 2 रे थिला मु कहली देखिबा नानो गोटे गाड़ी देखिछु छोटियाटा सेटा कहुछि नाही म से बिशप अंकल कर जेमती नाही स्कॉर्पियो आउ सेइटा किणिले हबो क्लास 2 रे थिला सेत बळको आउ अभी अवश्य सेइ सब विषय रे से बुझि सारलाणी जे प्रभु आमान को आशीर्वाद करछन्ती टिके टिके सेइ ज्ञान आसीगलाणि ए सब बड़ जिनस ना किंतु तार भविष्य विषय निश्चय आमाने अनेक मो मन हेत एत चिंता ना कि मो स्त्री टी बेस पाठ पढ़ुनि कौन हम कौन ना ये ना ये सब विषय आउ टे पाने बड़ हेलापर मो पुपी भल झी मिल तो मो झीपी भल पात्र मिल कहीं आम देखुचु कौ प्रकार भाव कौन घटू मोर भाग्य शब्दटा अवश्य क्रिश्चियन मानको व्यवहार करबे कथा नो किन मोर भाग्य खराब मो दीटा कि तीनटा बाहागर रे साखी बाबरे कटक रे साखी से तीनटा जको डिवोर्स हे गेला मते सेटा भारी तापरठ मो सब बेले अवश्य पालक अभी पालक हेला पछे त बेले मो पालक नथली आ पालक हेला परे मते आ के डाकु नहंती तणु करी तो एही भयटा भी थाए जो झियो को आमे बाछुचु से ठीक झीओ हबो तो मो पुअर जत्न जेमती नबो आमको सासु ससुर को अड़े दबनी तो गोटे साइड को नहीं ए प्रकार रो चिंता भय मध्य थाए भविष्यतर भय पिला मानकर भविष्यत निमन्ते भय जहां भय दाऊदंक जीवन रे थिला आमे जानुनु किंतु से कहउचंती जे चारि पदरे मु सदा प्रभुंकर अन्वेषण करली
ସିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୋତେ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ଅଳ୍ପ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, 100% ଡେଲିଭରେନ୍ସ, ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ପାଉ 6 ପଦରେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କାକୁତି କଲା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ସବୁ ଭୟରୁ, ଦାଉଦର ସବୁ ଭୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାର ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସଙ୍କଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଟ୍ରବଲ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଭାରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମେଣ୍ଟାଲି, ମାନସିକ ଭାବରେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ରହି ବା ମାନସିକ ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରବଲ୍ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଅବଶ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରବଲ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଟ୍ରବଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 34:6 ତାକୁ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆୟୁବ 5:6 ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ନ ଅଫ୍ ଉମେନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟ୍ରବଲ୍, ସେଇଠି ଦୁଃଖ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଲେଶକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ସେଟା କ୍ଲେଶ କୁହାହେଉଛି, ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରବଲ୍ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ଟ୍ରବଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଙ୍କଟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲେଶ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଆପରେ ଅବଶ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ବେଟର୍ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆୟୁବ 5:7 ଦେଖୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଫାସ ବୋଲି, ତେମନୀୟ ଏଲିଫାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆୟୁବଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ସେପରି ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ। ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କି ସେଇଠି, ନା ଆଉ କିଛି? ଗୋକୁଳ ଭାଇ, ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଆୟୁବ 5:7 କିଏ ଜଣେ ପାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ କି? 5:7 ଦୁଃଖ, ହଁ ହଁ, ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଟ୍ରବଲ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, ଘରେ ଯାଇକି ଜିରିମିୟ 49:7 ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ତିମନୀୟ ମାନେ, ତିମନ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଦେ ୱର୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦାଇ ୱିଜ୍ଡମ୍। ଆଉ ଏପରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସେ ଏଲିଫାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଲିପସ୍ ଯିଏକି ଆୟୁବଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି।
जे ट्रबल बा संकट बा दुख आमानकर जीवन रे सब बेले आसे एवं 19 पद रे मध्य सेई विषय 34 पर्व रो 19 पद रो मध्य लेखा है छि धार्मिक व्यक्ति रो विपत्ति नै कोन लेखा है छि धार्मिक रो विपद अनेक लेकिन सदा प्रभु ता समस्त रो ताको उद्धार करंती हेई पारे दाऊदंक जीवन रे विभिन्न प्रकार संकट बा विपद बा क्लेश बा दुख जहाँ भी आमे कही पारू हेई पारे ताहा ता जीवन रे आसीथिला किंतु फेर आउथरे से कहउचंती मोर सकल संकट रु सिए मते उद्धार करले सबु भयरु सकल संकट रु प्रभु ताको उद्धार करले आश्चर्य विषय काय आमे तो सबु बेले सबु भयरु आमने उद्धार पाउनु बा समस्त संकट बा विपदरु आमने अनेक थरो उद्धार पाउनु तो दाऊद केमिति कहउचंती तो दाऊदंक जीवन रे कोन विषय थिला काहे की प्रभु तांकु तांकर समस्त भयरु एवं समस्त संकटरु उद्धार करले एई किछुटी पदरे आमाने खोजि केना देखिबा एवं चेष्टा करिबा पाइबा को प्रथम चारि पदरे आमे देखु से सदा प्रभुंकर अन्वेषण करले बा ही सॉट द लॉर्ड बोली इंग्लिश रे कुहा होची एवं 10 पदरे मध्य 10 पदर सेसं जुबा सिंह माने अभाव ओ ख्योदारु क्लेश हुए मात्र जीव माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करंती सेमानंकर कोनोसी मंगल विषय अभाव हेब नाही बोली से कहउचंती तणु करी चारि पदरे मध्य आमे देखु जे से ईश्वरंकर अन्वेषण करले एवं 10 पदरे मध्य देखु जे से ईश्वरंकर अन्वेषण करले ता माने कोन ईश्वरंकर अन्वेषण करिबा माने कोन खाली कोन चुपचाप चुपचाप अन्वेषण करथुले कि साइलेंटली नीरव रही कोन भाबुचंती चारि पदरे गोटे गोटे ओडिया बाइबल रे लेखा है छि मु सदा प्रभुंकर अन्वेषण करली ओ सिए मते उत्तर देले उत्तर देले माने निश्चय ये अन्वेषण करला बेले प्रार्थना वयत करूथले आउ टिके मॉडर्न ओडिया ट्रांसलेशन रे दिया है छि मु सदा प्रभुंक ठारे प्रार्थना करली ओ सिए मते उत्तर देले से मते उत्तर देले बोली इंग्लिश बाइबल रे एनआईवी बाइबल रे दिया है छि He answered me, माने से मते उत्तर देले किंतु किंग जेम्स बाइबल रे दिया है छि He heard me बा से मोर प्रार्थना को सुनिले तेणु करी से चुपचाप अन्वेषण तो करू नथिले निश्चय से प्रार्थना रे समय काटुथिले प्रभु मु ए भय द्वारा व्यस्तित एही संकट आसी मते घेरी किना रखिछि प्रभु तुमे ही मते उद्धार करि परिबो मु जदि तुम पाख को न जीवि कहाँ पाख को जीवि प्रभु अन्य लोक माने भय त मु गले मु निराश हे जीवि तुमे किंतु केबे मते निराश करिबो नाही तुमे केबे मते आउ त्याग करिबो नाही बोली तुमे प्रतिज्ञा करि अछ तुम पाख को जदि मु न जीवि मु कहाँ पाख को जीवि मु तुमरी मुख ही अन्वेषण करिबि कारण तुमे मोर एक मात्र उद्धार कर्ता अट अतीत रे मु देखिछि जेते बेले भी मु एपरि परिस्थिति रे पड़िथिली मु तुम निकट को चाहिथिली आ तुमे ही मते उद्धार करिथिलो तेणु करी मु वर्तमान भी मु केवल तुम पाख को ही जीवि कारण मु जाने तुमे जो प्रकार रे उद्धार कर सेई उद्धार आ कोनोसी शक्ति कोनोसी व्यक्ति जगतर मो निमन्ते ताहा साधन करि पारिबो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड द्वितीय विषय 6 पद एही दुखी लोक काकुती करला इंग्लिश रे लिखा है छि ही कॉल्ड आउट आउ
King James रे लिखा है he cried out काकुती माने कोनो साधारण डाको ता काकुती बोली कहि होबो कि कोनो अंतररु नै desperate ना विकल है कि ना जो डाको पकेबा हो ना नै ताकु ही काकुती बोली कहि होबो बेले बेले मते भूल बुझिबेनी अमनकर प्रार्थना रे अमने बहुत भद्र बहुत कल्चर्ड आउ अमे हे जाऊ बेले बेले प्रार्थना रे टिके अभद्र मते भूल बुझिबेनी हब्बा को पड़िबो लज्जा शरम को त्याग करिबा को पड़िबो प्रभु मते दया करो अन्य माने कौन भाबीबे ये मालो ये कौन इतने चिल्लोची ये कोची से कोची पेंटिकोस्टल टा बोध देना कौन बा नहीं जिए जा भाबंतु बेले बेले प्रार्थना रे desperate times call for desperate measures बोली English रे गोटे प्रबाद अछि बा जेते बेले नै बिकळ है कि जेते बेले प्रार्थना करंती सेते बेले तहार गोटे अलगा प्रभाव थाए जेते बेले काकुती मिनती करकि सेही अवस्था रे प्रार्थना आसी थाए एवं प्रार्थना रे जेते बेले सेही विषयटी आसी थाए प्रभु अंतररो अंतर को हृदय को चिपुड़ी की आउ सही अंतर रो जेते बेले प्रार्थना आसी थाए तहा सेते बेले सबुठारु शक्तिशाली हेई थाए प्रभुंकर हृदय को जाय की एही प्रकार माड़ से मारी थाए एवं प्रभु को से विचलित कर दे थाए एवं प्रभु को प्रभावित कर थाए प्रभु रही पारंतनि एवं आम सपक्ष रे से कार्य करि थांती केबे सही प्रकार प्रार्थना आपण प्रार्थना करि छंती कि डेस्परेट प्रार्थना जोटा कुहा जाए विकल है कि ना दी आखिरु खाली लुह बही जाउथबा बेले बेले सबुठु शक्तिशाली प्रार्थना होची सही प्रार्थना जेतो बेले कि कोनोसी शब्द उच्चारण हो नथबो किंतु प्रभुंक उपस्थित रे आपण बसी चंती दी आखिरु खाली धार धार लुह बही जाउथबो तृतीय विषय आठ पद रे हमें देखु आहे सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आस्वादना करी देखो जे ताहांकर शरण शरणागत से लोक धन्य इंग्लिश रे कुहा होची ब्लेसेड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम एनकेजीवी बा न्यू किंग जेम्स बाइबल रे ताकु कुहा ब्लेसेड इज द मैन who trusts in the Lord ba jeu loko prabhu ko upare bharosa kare ba nirbhar kare sei loko dhanya ame kahara sharanagato ho jeu loko ko ame bharosa karu nai naturally ta pakhare hi amane sharanagato ho trutiyo bishoy daudo prabhu ko upare hi bharosa karithile sampurna bhavare संपूर्ण हृदय सहित से प्रभु को उपरे भरोसा करले एवं निज सुविवेचना उपरे से आउजी पड़िले न आउजी पड़ी नथिले he trusted in the Lord with all his heart हिब्रू रे भाषा रे ट्रस्ट पाए जो शब्द विश्वास बा भरोसा पाए जो शब्द व्यवहार हे छै ट्रस्ट पाए ताहा हूँ खस आउ खस शब्दा गोटे भारी सुंदर छवि आमान को उपरे ताहा माने आमान को आमान को ताहा प्रदर्शाए खस शब्दा गोटे पिक्चर रु निया जाएची से पिक्चर होची छवि होची गोटे माँ कुकुड़ा एपरी से जितेबेले बोलुथुबो तार छोट 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 कुकुड़ा छुआ माने चारिपटे बोलुथिबे आउ जेतेबेले हठात से माँ कुकुड़ा देखिबो गोटे चिल्ल कि गोटे एही प्रकार गोटे पक्षी जहाँकि तार
से छुआ मानकर क्षति जन्माई पारे एपरी गोटे पक्षी को देखिबो से माँ कुकुड़ा गोटे टिपिकल गोटे शब्द करिबा को आरंभ करिबो केमती मते पचारंत नहीं एमती गोटे हेइतिबो कक कक बा एमती किछि गोटे हेइतिबो आउ ठीक सेतबळ को सेई शब्द सुनी कि ना ए छोट छोट चिया ए जो कुकुड़ा छुआ माने सब धाई के पळे आसीबे ता पाखु से एपरी डेणा ऊपर को कर दबो सब ता डेणा तळे पसि जिवे एवं तांकु एमती डेणा रे से घोड़े दबो से पिक्चर टाकु हिब्रू शब्द रे खस बा ट्रस्ट बा भरोसा करिबा को कहा जाए चार्ल्स पर्जन बोली जने प्रचारक थिले आउ सिए मध्य ए भरोसा विषय रे बुझेबा को गोटे भारी सुंदर उपमा गोटे उदाहरण दियंती आउ सिए कहंती जे धरंतु आपण गोटे समुद्र रे गोटे जहाज रे आपण यात्रा करचंती हां गोटे शिप रे जहाज समुद्र मध्य रे आउ हटात समुद्र रे गोटे बहुत बड़ झड़ हैला एवं ताहा से जहाज को एपरी टळमळ कर देला जहाज रो कैप्टन जहाज रो जो माने चालक से माने सब एकदम चिंतित व्यतिव्यस्त किंतु धरंतु गोटे माँ सेठी अछि आउ से माँ पाखरे गोटे बर्षेकर छुआ ता कोळरे अछि से छुआ कोण से झड़ निमन्ते व्यतिव्यस्त बा चिंतित बा भयभीत हबो कि ना कारण तापाई एतिकी जथेष्ट जे से मु मो माँ कोळरे अछि सेतिकी दैट इज इनफ आई एम इन विथ माय मदर आउ सी एसब विषय को देखे नै बा चिंता करे नै एवं चार्ल्स पर्जन कहंती ठीक से शिशु तार जे प्रकार विश्वास ता माँ उपरे सही प्रकार विश्वास अमानकर परमेश्वरंकर उपरे रहिबा आवश्यक घरे जाइकी आपण माने गोटे अंश देखिबे गीत 112 परे मु आपण मानकु कहिबि तार तात्पर्य कारण ता परे न पदरे आमे देखु जे से परमेश्वरंकु भय करिथिले परमेश्वरंकु भय करिथिले जो माने परमेश्वरंकु भय करंती तांकर कोनोसी अभाव हुए नाही परमेश्वरंकर भय कौन किए जने मोपाई प्लीज हितोपदेश 8 पर्व 13 पद जोर रे टिके पढ़ी देबे कि हितोपदेश 8 पर्व 13 पद परमेश्वर विषय को भय कौन अटे से जगह रे तार डेफिनेशन दिया है जी 8 र 13 मंदता प्रति घृणा तो सदा प्रभु विषय को भय होची कौन कौन कहा प्रति घृणा मंदता प्रति घृणा टू शन इविल इज द फियर ऑफ द लॉर्ड आपण घरे जाई कि गीत 112 पढ़िबे गीत 112 रे गोटे पूरा लिस्ट गोटे तालिका गोटे सूचीपत्र दिया है छि जो माने प्रभु को भय करंती तांको जीवन रे कौन कौन आशीर्वाद सब आसीबो तार गोटे लिस्ट दिया है जी अभी समय नहीं तेणु करी मु से पूरा लिस्ट टा पढ़ी भी नहीं आमे जदि सदा प्रभु को भय करिबु ता प्रतिफल रे कौन कौन आशीर्वाद आ माने भोगिबु ता विषय रे गीत 112 रे वर्णना करा जाय छी हेई पारे आमान को जीवन रे भय थाई पारे आमान को जीवन रे संकट थाई पारे आमान को जीवन रे विपद समस्या विभिन्न प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति थाई पारे आसी पारे अभिभेद किछि नाही भविष्यत रे आसी पारे किंबा आमे जीवन रो यात्रा रे आसिला बळकु ऑलरेडी आ माने किछि किछि मात्रा रे इसब विषय आमे अनुभव करि सारलोनी जदि आमे भी दाऊदंक परी जदि सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिवो तांको निकट रे काकुति करिवो तांकर शरणागत हबो
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭୟରୁ ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ ତାହେଲେ ମୋର ଯେତିକି ଭୟ, ଯେତିକି ସଙ୍କଟ, ଯେତିକି ବିପଦ, ଯାହା କିଛି ସେଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବିପଦ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ, ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ନାହିଁ, ବା ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରୋଧନ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ବିବାଦ ନାହିଁ, କଳହ ନାହିଁ, ଅପଟ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ମାନବ ଦିମାଗରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଏପରି ଜାଗା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଖଟଖଟାଇବେ ଏବଂ କହିବେ, ସାମ ତୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ନଥିବ। ଏଇ ଜଗତ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମୋ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧ ଆଚରଣ, ବାକ୍ୟର ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ପାପ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତା ବଶରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାପ ସହିତ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଅହଂ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ପେଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ମୋର ଅହଂ ସହିତ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିବ ମୋତେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋର ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା, ମୋର ଏଇ ଆଶା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ମୋ ପିଠିକୁ ଥାପଡ଼େଇବେ ଆଉ କହିବେ, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଥଫୁଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ବା ସାବାସ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ସେଇ ଉପାଧି ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆସ୍ଥା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ସେଇ କୃଷାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ଯିବି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯିବି, ଅଲବତ୍ ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣ ଯିବେ କି? ସିଓର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୟ, ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ,
ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ବା ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ।